राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ वैश्य समागम। जी हाँ, राष्ट्रीय वैश्य परिषद के तत्वाधान में देश के कोने कोने से राजधानी के होटल चरण प्लाजा में एकत्र हुए वैश्य समाज के नेताओं ने समाज को एकजुट करने की राजनीतिक भागीदारी एवं संगठन को मजबूत बनाने तथा ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के संकल्प के साथ कई फैसले किए। अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने पहुंचे व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मनीष गुप्ता से हमारे संवाददाता सुखपाल सिंह ने उनका पक्ष जाना। आइए सुनते हैं व्यापारी नेता मनीष गुप्ता को। वैश्य समागम कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या था और इसमें आप कहां तक सफल हुए? ये अमित जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वैश्य परिषद के। लंबे समय से वैश्य समाज के लिए एकजुट करने के लिए और वैश्य समाज के अधिकारों के लिए सरकारों से समय से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और इन्हीं के प्रयास से प्रदेश में अनेक जनपदों में विधायक, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, टाउन एरियों के चेयरमैन अनेक जगहों पर जीते हैं। अमित जी ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से चुने हुए वैश्यों के नेतागण सम्मिलित हुए और वैश्य समाज को नई दिशा और उनके राजनीतिक अधिकार के लिए परचर्चा हुई और सबने एकजुट होकर वैश्य समाज के लोगों को चुनाव जिताने का संकल्प लिया। क्या कुछ इस तरह से कोई रणनीति तय हुई चुनाव में, किस प्रकार किसी खास पार्टी को वोट करेंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या? इसके विषय में अमित जी बताएंगे, संगठन के अध्यक्ष वही है। मैं तो आमंत्रित था यहाँ पर और मैं तो जिस राजनीतिक दल में हूँ और जिस सरकार में हूँ, मैं उसके लिए सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट।